हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतीकवाद। प्रतीकवाद और नाभि जो चित्रकार थे उनके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि प्रतीकवादी जो चित्रकला है उसका अग्रदूत जो है वो गोगवा को माना जाता है। उसके बाद 1891 में ऑल्बेर ओरियो ने चित्रकला में प्रतीकवाद शीर्षक से लेख प्रकाशित किया था। चित्रकला में प्रतीकवाद इस शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था 1891 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रमुख सिद्धांत जो प्रतीकवाद है उसका प्रमुख सिद्धांत था कि चित्रकार की कल्पना को स्वीकार करना। ये प्रतीकवादी जो चित्रकार थे उनका प्रमुख सिद्धांत था। इसके अगर हम प्रमुख दार्शनिक और प्रचारक की बात करें तो वो थे पॉल सेरुसी है, और जो कट्टर चित्रकार जिसको बोलते हैं वो थे रेंदो, जिन्होंने कि सिर्फ इसी के जो रूल्स थे, जिस शैली में ये काम करते थे उनका पूरी तरह से उन्होंने इसे निभाया, तो वो थे रेंदो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नाभि चित्रकार थे उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली। तो नाभि जो चित्रकार थे उनकी प्रेरणा थी गोगवा से, उन्होंने प्रेरणा ली थी। अब जो नाभि वर्ड है उसका अर्थ देखते हैं कि इस वर्ड का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भविष्यवेता, ठीक है। भविष्यवेता इसका अर्थ होता है, जो कि हिब्रू भाषा का एक शब्द है, और हिब्रू भाषा का ये शब्द है। इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं वो जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे ओदिलो रेंदो, मॉरिस देनी, एडवार्ड वीआर, सेरुसी और रूसेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओदिलो रेंदो के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1840 में हुआ था, और इनके जो चित्र हैं वो जादू नगरी से प्रतीत होते थे। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्ज़ाम में कि किस चित्रकार के जो चित्र हैं वो जादू नगरी से प्रतीत होते थे, वो थे ओदिलो रेंदो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इनके अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कि ये किस किस सब्जेक्ट में जो अपने चित्र हैं वो बनाते थे, तो इनका जो सबसे प्रिय, जो इनका फेवरेट जो था वो था फूल, ठीक है। इन्होंने फूल के ऊपर बहुत से चित्र बनाए हैं। उसके बाद वृक्ष हो गए, बादल हो गए, यानी नेचर से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इन्होंने ड्रॉ की थी। इनका एक कथन है, संभाव्य को और असंभाव्य को संभाव्य रूप में सजीव चित्रित करना, ठीक है। ये एक फ्रेंच पेंटर तो थे ही, उसके साथ साथ ये एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे। इन्होंने बहुत से जो ग्राफिक का काम होता है वो भी इन्होंने किया था, जो इलस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो इन्होंने बनाया था। इनके बहुत से फेमस चित्र हैं जिसमें कि सबसे मेन है मिस्ट्री, सेंट जॉन, द गोल्डन कॉल, फ्लावर प्रोफाइल एंड फ्लावर। तो ये इनके कुछ जो प्रमुख हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इनके चित्र हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके चित्र हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं मॉरिस देनी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो जन्म है वो 1870 में हुआ था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और 1943 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनकी जो कला है वो अलंकारिक और प्रतीकात्मक थी, ठीक है। इसका नाम भी है प्रतीकवाद, तो इनकी जो कला है वो प्रतीकवाद थी और साथ ही अलंकारिक भी थी, जिसमें कि ये वक्रकार जो रेखाएं हो गई और गतिमान रेखाएं जो फ्री हैंड से स्केच करते हैं, तो इस तरह से कि गतिमान जो रेखांकन होता है वो इन्होंने अपनी कला में किया था। फ्लोरेंटाइन एवं सियनीज कला का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। जब ये इटली गए थे तो उसके बाद इनके ऊपर जो फ्लोरेंटाइन एवं सियनीज की कला है उसका इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, और पवित्र कला के कला कक्ष इसकी इन्होंने स्थापना की थी। इनके प्रमुख चित्र देखते हैं, सबसे प्रमुख जो इनका चित्र है, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ये जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने स्वयं के पोर्ट्रेट बनाए थे, ठीक है। उसके बाद एक जो इनका सबसे फेमस चित्र है वो है सफ़ेद चोगा पहने युवतियों के आकृतियाँ, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग है वो है। उसके बाद है कला का देवता और अप्रैल, ये इन तीनों में से ही एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को ऐड किया है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं पियर बोनार।
तो इनका जो जन्म है वो 1867 में हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। एकोल दे बोजार से इन्होंने कला की शिक्षा ली थी, ठीक है। उसके बाद 1889 में फ्रांस में शाम्पेन जो विज्ञापन है वो इनका बिका था। इन्होंने जो विज्ञापन है उसके विज्ञापन चित्र बनाया था इन्होंने और वो इनका बिका था सबसे पहले 1889 में। उसके बाद है देखिए, ये पहले इनका जब इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इनका ये इन्होंने एक विज्ञापन चित्र बनाया, जब ये इनका चित्र बिका उसके बाद से इन्होंने कला में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। रघु ब्लांश पत्रिका के लिए इन्होंने लिथोग्राफ्स बनाए, इन्होंने लिथोग्राफ्स में बहुत ही काम किया है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो लिथोग्राफ इन्होंने पेंटिंग से ज़्यादा लिथोग्राफ में काम किया है। रघु ब्लांश नामक इनका एक विज्ञापन चित्र भी था। इन्हें परिचयवादी भी कहते हैं। जो मेन मेन पॉइंट है इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हें परिचयवादी भी कहते हैं। इनका जो कथन है वो था कि आजीवन मैंने सौंदर्य दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। कई बार एग्ज़ाम में जैसे कथन दे दिया जाता है कि ये कथन किस चित्रकार का है या मतलब किसका है ये पूछ लिया जाता है, तो जो फेमस है वो यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा कि आजीवन मैंने सौंदर्य दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, तो ये इनका कथन था। इनके जो चित्र को विषय थे वो थे पेरिस के रास्तों के दृश्य, सेन नदी के किनारे, पुल, बाजार, इनसे ये इनके जो प्रमुख जो सब्जेक्ट था वो था। इनका जो एक प्रमुख चित्र है वो है डाइनिंग रूम इन द कंट्री, 1913 में इन्होंने ये बनाया था। इसके अलावा पेंटिंग के अलावा इन्होंने लिथोग्राफ बहुत अधिक बनाए हैं, तो इनका जो प्रमुख था वो था लिथोग्राफ में इन्होंने काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट है एडवार्ड वियर, इनका जन्म 1859 में हुआ था और 1940 में इनकी मृत्यु हुई थी। एकोल दे बोजार से ही इन्होंने शिक्षा ली थी और सेलो दोतान की इन्होंने स्थापना की थी। कवि मालामे के काव्य ग्रंथ के लिए वियर ने चित्र बनाए थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। और नतांशों के लिए पर्दा चित्र की प्रथम मालिका भी इन्होंने, मालिका मतलब श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला भी इन्होंने तैयार की थी, ठीक है। इनका कथन जो देखते हैं, इनका कथन था, मैं व्यक्ति चित्र नहीं बनाता बल्कि व्यक्ति को घर के वातावरण के अंतर्गत चित्रित करता हूँ। इसके साथ ही इन्होंने डॉक्टर वॉकवे, डॉक्टर गोसे, फोनतेन के व्यक्ति चित्र बनाए थे। इनके जो व्यक्ति चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म और नाभी जो चित्रकार हैं वो। आई होप कि आपको आगे आने वाले नेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।